उन्होंने बहुत गर्व के साथ कहा, राजस्थान महाराणा प्रताप के साहस, राणा सांगा के शौर्य, महाराणा सूरजमल के संघर्ष, अन्ना धाई के त्याग, मीरा के समर्पण, इन्हीं चीजों के लिए पहचाना जाता है। पूरे देश में राजस्थान की एक अलग छवि है, पूरी तरह राष्ट्रवादी, पूरी तरह ईमानदार और पूरी तरह सैद्धांतिक जीने वाले लोग जो होते हैं वो राजस्थानी होते हैं, ऐसी कल्पना पूरे देश में है। कलराज जो हुआ वो बहुत दुखी करने वाला था, मुझे आश्चर्य हुआ। कांग्रेस पार्टी अपने नौजवानों का ऐसा दुरुपयोग करती है, मुझे इसका एहसास नहीं था। यहीं उदयपुर में एक छोटे से बच्चे देवराज की हत्या कर दी गई चाकू घोप घोप करके। कांग्रेस के ये नौजवान अगर उस हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे होते तो आज राजस्थान कितना गौरवान्वित हुआ होता। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने देश को तोड़ने का सपना लेकर काम कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने अभी अपना घोषणा पत्र जाहिर किया है, घोषणा पत्र में फारूक अब्दुल्ला ने घोषित किया है कि हम शासन में आएंगे तो धारा 370 और 35A बहाल कर देंगे, दो प्रधान दो निशान दो विधान का संविधान फिर लागू कर देंगे, कश्मीर को 1953 के पहले की स्थिति पर पहुंचा देंगे। और कांग्रेस का नेता राहुल गांधी खुलेआम राजनीतिक लालच में, कुर्सियों के फेर में, ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ चुनाव के पूर्व संयुक्त घोषणा करके चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस के नेता कहते हैं जम्मू कश्मीर के कि हम अगर शासन में आए तो सारे आतंकवादियों को जेल से रिहा कर देंगे और उन्हें 1 करोड़ रुपए का अनुदान दे देंगे। कांग्रेस के नौजवान अगर अपने नेतृत्व वर्ग की इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ, नौजवान का यही सवाल होता है, नौजवान जहां गलत होता है वहां खड़ा होता है, अगर सवाल खड़ा किया होता तो मुझे बड़ी गर्व की अनुभूति होती है। इस देश का बंटवारा मुस्लिम लीग ने कराया, देश दो टुकड़ों में बट गया और राहुल गांधी ने केरल का चुनाव जीतने के लिए वायनाड से, चूंकि वहां की 65% जनता मुस्लिम बहुल है, मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया देश को बांटने वालों से। अगर कांग्रेस के नौजवान अपनी पार्टी में अपने नेतृत्व से इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में पूछ रहे होते तो हम इन नौजवानों के पीछे कदम से कदम मिला करके चल रहे होते। बांग्लादेश में हजारों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हो गया, पूरा देश व्याकुल है, नहीं व्याकुल है तो कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता। नौजवान अगर सड़कों पर आए होते और एक बार भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए खड़े हो गए होते तो यह देश अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहा होता। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सचिन पायलट से भी, चलो आपको बुरा लगा कि मैंने ये कह दिया, आप सबके पास वो रिकॉर्डिंग होगी, मैं चाहूंगा कि इस बाइट के साथ वो रिकॉर्डिंग भी दिखाइए कि मैंने कहा क्या था। हाँ मैंने कहा है, मैंने कहा इस बात को कि सचिन पायलट जी का कोई समय होता था, वो समय खत्म हो गया, अब राजस्थान में भाजपा का समय है। सचिन पायलट एक स्पेंट फोर्स है, राजनीति में अपनी विरोधी ताकतों को हम कमजोर नहीं बताएंगे तो दारा सिंह पहलवान बताएंगे, इसमें कोई गाली थी, कोई अभद्र भाषा थी, कोई अपमानजनक टिप्पणी थी, कोई असांस्कृतिक या अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग हुआ था, कोई अमर्यादित बॉडी लैंग्वेज थी, एक सच्चाई है। अगर आपको या आपकी राजनीतिक सच्चाई दिखाई जा रही है
तो इतना नाराज होने की जरूरत क्या है? निंदक नियरे राखिए पावन कुटी छवाए। मैंने आपकी आलोचना की है, मुझे धन्यवाद दीजिए और कहिए कि हाँ 4 साल बाद या 4 महीने बाद या 4 दिन बाद जब उपचुनाव होंगे तो डॉक्टर साहब मैं आपको अपनी ताकत दिखा दूंगा। ये इसको राजनीतिक लड़ाई कहते हैं। अब आप पूरे राज्य जयपुर में कोशिश कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों में कोशिश कर रहे हैं पुतला जलाने की, प्रदर्शन करने की। तो पुतला आप मेरा जला रहे हैं या अपना जला रहे हैं, आप अपने ऊपर विचार करिए। मुझे इससे क्या अंतर पड़ने वाला है? इस देश का लोकतंत्र आपको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है और मेरे खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है, वहां तक तो चलता है। लेकिन रात को ढेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे, मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो? इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजनीति का यह कोई तौर तरीका नहीं है। मैं आग्रह करता हूं अपनी लड़ाई के तौर तरीके पर वो विचार करें, लड़े, मजबूती के साथ लड़े, लोकतांत्रिक तरीके से लड़े, सैद्धांतिक तरीके से लड़े, राजनीतिक रूप से हम लोगों को परास्त करें। दोबारा अगर इस प्रकार की गतिविधि हुई तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी धैर्य की सीमा है। और मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है, जब मैं कहना शुरू करूंगा तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि तब मैं ये परिभाषित करूंगा कि वो स्पेंट फोर्स है क्यों। पूरा राजस्थान जानता है इसको। तो मेरा आग्रह है, बड़े नेता हैं बेचारे, परेशान है मैं जानता हूं, अपनी पार्टी में ही परेशान है, अपनी पार्टी में लड़ने पहले फिर दूसरी पार्टी से लड़ लेंगे। धन्यवाद। प्लान वे में करा रहे हैं, आपको लगता है कि सचिन पायलट? अब अगर प्लान वे में करा रहे हैं तो उनसे बड़ा अनप्लानर कोई नहीं। प्लान वे में राजनीति कराई जाती है, लंठाई नहीं। प्लान वे में आप राजनीति कर रहे हैं तो जनता की सेवा करते हैं। आपका लक्ष्य मुख्यमंत्री बनना होता है, आप मुख्यमंत्री बनने के लिए योजना बनाते हैं। इस देश में हर नागरिक को अधिकार है कि वो इस देश के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने का सपना देखे, तो उसके लिए प्लान वे में काम करना तो उनका राजनीतिक अधिकार है ना। लेकिन चूंकि अशोक गहलोत को अपनी ताकत दिखानी है इसलिए मेरा इस्तेमाल करके आप उसका प्रयोग करें तो ये तो कोई प्लानिंग हुई नहीं। नहीं, वो बेचारे उन नौजवान बच्चों की क्या गलती है? नौजवान तो मिट्टी के घड़े होते हैं, मिट्टी के लोते होते हैं, जैसा स्वरूप उनसे चाहे आप बना ले। आप उनसे पीने का घड़ा भी बना सकते हैं और आप उनसे पत्थर बना के किसी का सर भी तोड़ ले सकते हैं। तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? तो इस नाते मैं इतनी देर से तो मैं नाम ही ले रहा था, नाम के सिवाय तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मैं उन बच्चों के प्रति कोई भाव रखूं, मेरे जैसे आदमी कोई शोभा नहीं देता। उन्हें चढ़ाया गया होगा, उन्हें गलत बताया गया होगा, उन्हें जो कुछ मैं नहीं कहा हूं, इसीलिए मैंने कल ट्विटर पर अपना पूरा भाषण पोस्ट किया है। कल रात की घटना के बाद मैंने अपना पूरा भाषण जो मैंने सचिन पायलट के बारे में दिया है पोस्ट कर दिया है कि यह मेरा भाषण है, बताओ इसमें है क्या। अब विरोधी को मैं कमजोर हो गया नहीं कहूंगा तो कहूंगा क्या? मजबूत हो गया, मोदी जी बन गए क्या वो? इस नाते नौजवान बच्चों से कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर उनका भला करे, सही दिशा में चले, देश के निर्माण में और बेहतर जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। वो लगातार गिरे थे, अगर आपने अपने शब्दों के लिए माफी नहीं मांगी तो आगे भी इस तरह के प्रदर्शन होंगे आपके खिलाफ जो है? माफी तो मांग रहा हूँ मैं, मैंने एक एक शब्द जो यहाँ बोले हैं ये मेरी माफी ही है। तो मैं तो कह ही रहा हूं कि मैंने अभी इतना ही कहा है, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, इसलिए मत कहवाओ। राजनीति में अगर किसी ने आपको कह दिया कि आप कमजोर हो गए तो इसमें नाराज होने की क्या चीज है दादा? अपनी मजबूती वोट बैंक में दिखाओ, अपनी मजबूती मतदान के केंद्र में दिखाओ। सड़कों पर ये कौन सी मजबूती है?
भगवान श्री कृष्ण के बैनर पर मैंने देखा उन लोगों ने काला स्याही फेंक दिया, इसमें कौन सी मजबूती है दादा। रात को 9 बजे मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, घेर करके गाड़ी पर पत्थर चला रहे हो अगर, या काला रंग फेंक रहे हो या कपड़े फेंक रहे हो, कहीं शीशा फूट गया होता तो उन बेचारों की तो मैंने तो FIR नहीं कराया, मैंने तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया, पुलिस प्रशासन करा देती। तो इसलिए नौजवानों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करने चाहिए, नौजवानों को सही दिशा देनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें इस बात को समझ में आएगा, राजेश पायलट इस देश के बड़े सीजन राष्ट्रनेता रहे हैं, बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं, उस बड़ी शख्सियत का पूरा देश सम्मान करता रहा है। पार्टी मेरी अगर कमजोर हो रही होती तो 25-25, 30-30 लोग टिकट के लिए मार क्यों कर रहे होते हैं। एक टिकट लड़ने में और एक चुनाव लड़ने में कितना खर्चा होता हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। ऐसा क्यों है कि भाजपा का टिकट 1 अनार और 100 बीमार का टिकट बन गया है? ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कमजोर हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उतारू पड़े हैं? मैं दौसा गया था, मैं देवली उनियरिया गया था, मैं झुंझुनू गया था, टिकट मांगने वालों और उनकी शख्सियत, उनकी हैसियत जितनी बड़ी है, बड़े बड़े ताकतवर लोग आज भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि उन्होंने बिना ये असेसमेंट किए मांग लिया होगा कि मैं चुनाव जीतने वाला, कोई हारने के लिए टिकट मांगता है। भागड़ में कांग्रेस और आदिवासी पार्टी, भागड़ क्या हुआ, 84 और 17। देखिए राजकुमार राउत जी एक नौजवान है, राजकुमार राउत जी ने पहले वो ट्राइबल पार्टी में थे, फिर उन्होंने अलग होकर के आदिवासी पार्टी बनाई है और एक नौजवान की तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो भील समाज के बीच में कोई जागरूकता पैदा करें। धीमे धीमे उनके समझ में आ जाएगा कि जो कुछ काम वो करना चाहते हैं कांग्रेस की गोद में बैठ करके नहीं होने वाला है, ये काम तो मोदी जी ही करते हैं। आज मानधन का जो सौंदीकरण हुआ है मानगढ़ का, और जो राष्ट्रीय संग्रहालय बना है, आज जो बहुत बड़ा म्यूजियम वसुंधरा जी ने बनवाया है, आज जो गोविंद गुरु के बारे में माननीय मोदी जी ने उनके सम्मान को स्थापित किया है, आज जो द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने देश का राष्ट्रपति बनाया है, आदिवासी समाज इस बात को भली भांति जानता है, जिसमें भील भी आते हैं, कि आजादी के 75 सालों में अगर उनके समाज को किसी ने वास्तव में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्तिकृत किया है तो वो मोदी जी हैं। मुझे विश्वास है कि आज नहीं कल राजकुमार राउत जी के समझ में ये बात आएगी। अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार राजस्थान में है, हमारी सरकार दिल्ली में है, मिलकर के काम करें हम सब उस क्षेत्र के विकास के लिए। हम तो पूरे देश में आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ भी किया है हमने और बेहतर तरीके से करेंगे। आप जब जयपुर पहली बार आए थे तब कुछ नेताओं को कारण बताओ नोटिस देने के लिए आपने कहा था, उस पर कुछ आगे बढ़ेंगे? नहीं, आपने गलत सुन लिया, मैंने कारण बताओ नोटिस की बात नहीं कही थी, मेरे पास वो भी वीडियो है और मुझे लगता है आपके पास भी होगी। हम लोग एक राष्ट्रीय मीटिंग जब सदस्यता अभियान की करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हर व्यक्ति इसमें सहभागी बनेगा, कार्यकर्ताओं से ही नेता बनते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसलिए क्योंकि मैं 20 साल विधायक रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का जमीनी बूथ स्तर और मंडल स्तर का कार्यकर्ता रहा हूँ और मुझे ये मालूम है कि मेरी हैसियत पार्टी से बड़ी कुछ नहीं है, पार्टी है तो मैं हूँ। तो मैंने सिर्फ एक प्रयास किया है कि हमें पार्टी के संरचना में हम चाहे मुख्यमंत्री हों, और हमने देखा है इस बात को, माननीय मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम स्थल पर मेरे आने के पहले आए, मेरे आने के बाद गए। तो ये जो संगठन शास्त्र है जिसमें हर व्यक्ति को हम बाहर चाहे जो भी हो, संगठन के भीतर हम कार्यकर्ता हैं, इसलिए कार्यकर्ता भाव से हमें, हमारे बगल में सांसद जी खड़े हैं, कल से ही है तो सांसद ना, तो इस नाते हम सबको मिल करके संगठन में काम करना है। जो लोग किन्हीं कारणों से नहीं आए उनके बारे में पता करना या जानने की कोशिश करना कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी कि वो सदस्यता अभियान जैसे महत्वपूर्ण काम में नहीं आए,
उसके बारे में पता करना हो पाया है क्या उन सभी से? ये अध्यक्ष जी का काम है। मैं अभी तो 3 दिन के लिए आया था, फिर दिल्ली की मीटिंग में चला गया, फिर 2 दिन के लिए आया हूँ, फिर अभी वक्फ कमेटी की मीटिंग है उसमें चला जाऊंगा। मैंने अपने अध्यक्ष जी से आग्रह किया है, वो संवाद कर रहे होंगे, और फिर अभी जब दोबारा मैं आऊंगा उपचुनावों से अभी मुक्त हो जाऊंगा, मैं एक बार इन क्षेत्रों में घूम लूंगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा। मैं खुद इन सभी 6 क्षेत्रों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर के उनकी भावनाओं से अवगत हो रहा हूँ। उसके बाद हम लोग यही सब संगठन काम ही करेंगे ना।